दोस्तों, ये हॉरिस रिडलर, इनको जिब्रामैन के नाम में भी जाना जाता है, हॉरिस लंदन का रहने वाला एक स्लाइड शो परफॉर्मर था। इन्होंने खुद ही अपना नाम बदलकर द ग्रेट जेब्रा रखा था। उनको जेब्रा देखना इतना पसंद था कि अपने पूरे शरीर पर वो जेब्रा जैसा टैटू बनवाई। उनके शरीर पर जेब्रा की तरह काले और सफेद बटिया बनी हुई थी। उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध भी लड़े थे और 1963 की उम्र में उनकी मौत हो गई थी। दोस्तों, ये जानकारी कैसे लगा हमें जरूर बताना, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।